राजाखेड़ा में पिछले 25 वर्षों से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे और कांग्रेस किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश सचिव उत्तम दीक्षित ने अपने समर्थकों सहित उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, भाजपा जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पारासर, पंकज शर्मा, जगन और मधुसूदन शर्मा की मौजूदगी में राजाखेड़ा में सिंथिया गार्डन में भाजपा का दामन थाम लिया। इस दौरान विधिवत तरीके से कैबिनेट मंत्री और जिलाध्यक्ष ने भाजपा का पटका डालकर सदस्यता दिलाई। सदस्यता समारोह के दौरान उत्तम दीक्षित ने कहा कि मैंने इतने वर्षों से कांग्रेस में कार्य किया, लेकिन वहां कार्यकर्ता को कोई मान सम्मान नहीं मिलता था। कांग्रेस के शासनकाल में विकास नाम की कोई चर्चा ही नहीं होती। राजाखेड़ा में दलालों की राजनीति का वर्चस्व रहा, जिसके चलते त्रस्त होकर आम आदमी भाजपा की तरफ जुड़ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की तस्वीर बदल रही है। सदस्यता कार्यक्रम के दौरान रामवीर सिसोदिया, पुष्पेंद्र राजावत, दिलीप पारासर, मुकेश हनुमानपुरा, मुकेश बघेल आदि लोग मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी ने यहां से अपना प्रत्याशी बनाया है। आप सब लोगों की चाहत थी कि यहां से दीदी को टिकट दिया जाए, और जो हमारे उत्तराखंड से आ रखे हैं बरसाल जी, और घर घर तक जाने की जरूरत है। आप लोगों ने खाली दस्तक